इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी टू और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नाइन पॉइंट थ्री चैप्टर नाइन ऑफ इलेक्ट्रो डायनामिक्स विच इज़ इलेक्ट्रोमैटिक वेव इन मैटर लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल इंसिडेंस देखा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैटिक वेव है और वो किसी बाउंड्री पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फॉल होती है तो फिर हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशेंट्स क्या होंगे और रिफ्लेक्शन कोफिशेंट क्या होंगे तो आज हमने एक उससे ज्यादा जनरल केस डिस्कस करना है कि वो वो बेसिकली केस था हमारे पास कि अगर आप जो एंगल्स मैर करें पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बाउंड्री हमारे पास जैसे ये बाउंड्री है और यहाँ से इंसिडेंट भी आ रही है तो अगर आप आ, जो ऑब्लिक नॉर्मल इंसिडेंट केस था वो ये था कि एग्जैक्टली ये इस बाउंड्री पे फॉल हो रही थी ये हमारे पास है तो अगर आप मैयर करें ये एंगल्स पर फ्रॉम पेंडिकुलर टू नॉर्मल ये नॉर्मल से मयर करें तो ये जीरो आ, एंगल बनाएंगे तो ये एक बिल्कुल स्पेशल केस था, उफ, केस तो केस ऑफ मोर जनरल जनरल हमारे पास ये है जो इनकमिंग वेव है वो बाउंड्री को मीट करे एट आर्बिटरी एंगल तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये इनकमिंग एक मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव है जो ये बाउंड्री है हमारे पास ये जी डायरेक्शन और यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक एंगल पे फॉल होती है इस बाउंड्री पे थीटा आई पे और रिफ्लेक्ट हो जाती है ये थीटा आर पे और ये है थीटा टी पे तो इनकमिंग है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव जो कि ऐसे डिफाइन है ये इसका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आ एम्पीट्यूड का आपस में रिलेशन है उस रिलेशन के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ऐसे लिखी जा सकती है और जैसे मैंने बताया कि ये अप्रोच कर रही बाउंड्री को फ्रॉम लेफ्ट और राइज uh, करेगी ये दो वेव्स को एक रिफ्लेक्टेड वेव होगी जिसकी इक्वेशन uh, हमारे पास एक्सप्रेशन ये है ई आर इज इक्वल टू ई नॉट आर टिल्डे ई पावर आयोटा के आर डॉट आर माइनस ओमेगा टी तो यहाँ पे हमारे पास, wave, uh, था, था पास number, के लिए था यहाँ पे के लिए. तो again, बिल्कुल वो जो के लिए था वो यहाँ पे भी फॉलो होगा तो ट्रांसमिटेड वेव उसका हमारे पास ये है तो यहाँ पे जो वेव वैक्टर आएगा वो ट्रांसमिटेड वेव के लिए आएगा और इधर भी ट्रांसमिटिव uh, के लिए वे वैक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसके मुताबिक है तो ये हमारे पास मीडियम वन है और ये हमारे पास मीडियम टू है तो इसमें स्पीड हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वी वन है और वी वन यहाँ पे भी ये यूज किया है और ये जो सेकेंड मीडियम है वहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट वी टू है तो ये इनिशियल मेरा सेटअप है कि एक बाउंड्री है बाउंड्री पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फॉल नहीं करी इस बार। इस बार बार ने केस लिया है और वो कोई एक एंगल बनाती है एंगल, प्रो होती है होती तो अब हमने इसके वही है कि हमने जन कोशन फाइन करने है रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन और, और उससे पहले हमें, हमें उसके एम्ब्यूट फाइंड करने पड़ेंगे तो पहली चीज के सारी की सारी तीनों वेव्स इंसिडेंट हो रिफ्लेक्टेड हो या फिर ट्रांसमिट हो सबकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग में जो जो फ्रिक्वेंसी थी डिटर्मिनेट करता था सोर्स के वो कितनी तेजी से उनको ऑसिलेट कर रहा है तो इस केस में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा लाइट सोर्स है जो जो मर्जी है उससे डिटर्मिनेट होगी जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा तो वो, वो सब की वेव के लिए फिक्स रहेगी तो ओमेगा जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो सारी वेव के लिए सेम और आप एक्सप्रेशन में भी देख रहे हो कि यहाँ पे भी डब्ल्यू है यहाँ पे भी डब्ल्यू है और यहाँ पर भी डब्ल्यू है यहाँ पे मैंने आई आर टी सब्सक्रिप्ट साथ सब्सक्रिप्ट यूज नहीं किया तो सारी फ्रिक्वेंसी ओमेगा का है तो ओमेगा की डेफिनेशन है हमारे पास के इंटू वी जो स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमेटिक वेव की जो मीडियम uh, में मैटर में जो स्पीड है वो v है और uh, v1 हमारे पास uh, reflect, v1 हमारे पास है स्पीड मीडियम में और v2 हमारे पास स्पीड है मीडियम टू में तो इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए चूंकि दोनों में v1 v1 स्पीड सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इंसिडेंट uh, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा ये दोनों इक्वल हैं वेव नंबर हमारे पास दोनों इक्वल हैं और जबकि यहाँ पे हमारे पास स्पीड मुख्तलिफ है यहाँ पे वो कैंसिलेशन नहीं होगी तो अगर आप v1 को कम लेके इस तरफ यानी कि पूरे एक्सप्रेशन को v1 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इंसिडेंट वे वैक्टर इज इक्वल टू इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वे वैक्टर विच इज इक्वल टू वी ओवर वी वन तो ये हमारे पास इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और आ, जो ट्रांसमिटेड वेक्टर का आपस में रिलेशन आ गया तो अगर आप एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करें स्पीड ऑफ लाइट इन 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 मैटर मीडियम मीडियम किसी भी वैक्यूम के अलावा हमारे पास N ये रिफेक्टिव इंडेक्स है सी स्पीड ऑफ लाइट है तो उसके मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है तो यहाँ पे वी का आप एक्सप्रेशन पुट कर दें यहाँ पे वी टू की वैल्यू आएगी यहाँ पे वी uh, वन की वैल्यू आएगी तो हमारे पास जो रिलेशन है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वे वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो ये है तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो दो चीजों पे फोकस किया वो ये एक फ्रिक्वेंसी क्या होगी और उनके वे वेक्टर्स में रिलेशन क्या होगा तो हमें बताया कि जब आप भी जब आपकी जो वेव जो है बाउंड्री पे मीट करेंगी तो वो कंबाइन होगी एक तरफ हमारे पास आएगी मीडियम वन की और अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन एक तरफ हमारे पास होंगी मीडियम वन और दूसरी तरफ हमारे पास मीडियम टू था मीडियम वन में हमारे पास दो तो वेव हैं रिफ्लेक्टेड वेव हैं ठीक है और वो जो ज्वाइन करेंगी मीडियम टू में ट्रांसमिटेड uh, वेव को ठीक है अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशन तो सारे जो ये एक्सप्रेशन होंगे जो ये आपको कंबाइन जो मीटअप होगा अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन सारे ये जनरल एक्सप्रेशन फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एम्पीट्यूड होगा वो का इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या मैग्नेटिक फील्ड हो यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट वेव होगी यहाँ पे एम्पीटूड आएंगे हमारे पास रिफ्लेक्टेड uh, वेव के और यहाँ पे हमारे पास होगी ट्रांसमिटेड वेव तो सारे जो जितनी भी ये बाउंड्री कंडीशन है वो ये एक्सप्रेशन को जनरल एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे इस वजह इस इस uh, से इंडिविजुअली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिटेड वेव मैगनेटिक फील्डेड नहीं किया गया और ये मीट करेंगे किस पे boundary पे बाउंड्री बाउंड्री हमने डिफाइन की है जी इजिकल टू जीरो पे तो अगेन याद रहे कि हमारे पास uh, जो नॉर्मल इंसिडेंट केस में एक्स वाई जो थी हमारे पास वो एक प्लेन uh, था बाउंड्री प्लेन था और उस पर फॉल uh, करती थी uh,

ये जो बाउंड्री कंडीशन है जेड uh, जीरो पे सारी एक्स और सारी वाई की वैल्यू को और टी की वैल्यूज के लिए अ सेम रहनी चाहिए इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए सारी एक्स की वैल्यू के लिए कि आप बाउंड्री पे कहीं भी एक्स डायरेक्शन में चले जाएं आप किसी भी वाई डायरेक्शन में चले जाएं और किसी भी लम्हे आप देखें तो ये जो इक्वेलिटी होल्ड होनी चाहिए और हम ये देखते हैं कि ये जो एक्स uh, वाई और टाइम डिपेंडेंस का जो फैक्टर अपेयर होता है वो यहाँ पे एम्पी में अपेयर नहीं हो रहा वो यहाँ एक्सपोनेंट्स में पेड़ हो रहा है ठीक है यहाँ एक्सपोनेंट्स में ये देखिए टाइम भी ये है और एक्स वाई ये भी है और यहाँ पर भी हमारे पास टाइम भी इस एक्सपोनेंट में है और आर एक्स वाई की जो कंट्रीब्यूशन है वह भी एक्सपोनेंट में तो इसके लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल जो एक्सपोनेंट्स की जो टर्म है अब, अब ये वाली ये एक्सपोनेंट की जो एक्सपोनेंट्स हैं ये पावर्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए सारे एक्स के लिए सारे वाई के लिए और सारे टाइम के लिए तभी ये हमारे पास जो इक्वलिटी होल्ड करेगी अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन में थोड़ी वेरिएशन लेके आए तो वो सारी की सारी जो इक्वलिटी है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा तो सारे हमारे पास एक्स ये जो इसमें एक्स अपेयर हो रहा है इसमें एक्स अपेयर हो रहा है इसमें एक्स अपेयर हो रहा है वो और जो इसमें वाइज अपेयर हो रहे हैं सारे इंडिविजुअली से इक्वल होने चाहिए वो इधर भी जो टाइम डिपेंडेंस है वो तो आपको इक्वल नजर आ ही रही है तो जो हम बात कर रहे थे टाइम डिपेंडेंस मैंने बताया कि आपके पास ओमेगा टी ओमेगा टी हर पॉइंट पे सेम थी तो उसको मैंने स्पेसिटी नहीं लिखा और क्यों, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास तीनों मीडियम में सेम थी जबकि जो बाकी एक्सप्रेशन था जिस जिसमें स्पेस डिपेंडेंसी एक्स वाई में एड बाउंड ज़ीरो वो ज़रूर इक्वल होनी चाहिए तभी वो इक्वलिटी होल्ड करेगी अदरवाइज नहीं करेगी तो के इंसिडेंट डॉट आर इज इक्वल टू के रिफ्लेक्टेड डॉट

Y-कंपोनेंट और ट्रांसमिटर के लिए भी एक्सैक्टली exactly यही तो ये यह होल्ड होना चाहिए जैसे मैंने बताया सारी एक्स और सारी वाई की वैल्यूज़ के लिए, तभी वो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास इक्वलिटी uh, जो होल्ड करेगी अगर आप इसमें सिर्फ uh, uh, मूव करें अलॉन्ग वाई और एक्स जीरो लाइन पे मूव करें तो एक्स को जीरो पुट करने से इस एक्सप्रेशन में आपको नजर आएगा कि सारे के सारे जो वाई कंपोनेंट्स हैं इंडिविजुअली सेम है ठीक है सारे के इंसिडेंट वे वेक्टर का रिफ्लेक्टिव वे वेक्टर का और ट्रांसमिटिव वेव का सेम uh, इक्वल uh, है और इसी तरह अगर आप वाई जीरो लाइन पे मूव होते हैं और एक्स में भी चेंज uh, 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 लाते हैं तो आप देखेंगे कि जो वे वेक्टर है इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटेड के एक्स कंपोनेंट वो सारे सेम है ठीक है तो इंडिविजुअली जो मैंने बात की थी कंपोनेंट uh, जो है वो सेम है इक्वल है बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए और अब ये हो सकता है कि हम कन्वीनियंस के लिए ये करें कि हमारा जो प्लेन और प्लेन है जिसमें वो वेव uh, प्रोपिगेट uh, हो रही है वो इंसिडेंट प्लेन है उसको एडजस्ट कर लें एक्स प्लेन बना लें ठीक है तो हमारे पास जो एक्सीजी प्लेन है वो हमारे पास होगा जिसमें वेव इंसिडेंट uh, होती है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इस केस में जो वेव वेक्टर होगा प्रोपगेशन वेव नंबर है हमारे पास वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा उसका जे कम्प, जी होगा लेकिन हम उसके पास हमारे पास आ, वाई कंपोनेंट नहीं होगा ठीक है तो एक्स जी प्लेन में अगर आप इंसिडेंट वेव को लाई करें तो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे पास जो प्रोपगेशन होगी वाई डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्स जी प्लेन में ही उसको शोर किया तो इन इक्वेशंस के मुताबिक इन इक्वेशंस के मुताबिक हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि इस इक्वेशन के मुताबिक सिर्फ आप जो y कंपोनेंट इंसिडेंट वेव का जीरो कर दें तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी जीरो हो जाएगा और ट्रांसमिटेड वेव का भी y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो सारी यानी कि ये रिलेट से हमारे पास ये G थी और थीटा और एक्स था तो ये जो इंसिडेंट वेव थी वो इसी प्लेन में थी एक्स वाई प्लेन में तो जब इंसिडेंट वेव इसी प्लेन प्लेन में है तो उसका जो वाइड डायरेक्शन में इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर है वो जीरो हो जाएगा तो हमें ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि ना सिर्फ इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर जो है जीरो होगा बल्कि रिफ्लेक्टेड का भी जीरो हो जाएगा ट्रांसमिटेड का भी जीरो हो जाएगा तो जब ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड वेव के वेव वेक्टर जीरो हो गए तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिटेड वेव भी इसी प्लेन में लाई करेगी रिफ्लेक्टेड वेव भी बिल्कुल इसी प्लेन में लाया करेगी तो ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ ऑप्टिक्स द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड तो ये मेरे पास था कि आपके पास जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव किस तरह वो उस बाउंड्री के नीचे करने की के, करने के खातिर हमारे पास एक ही प्लेन में लाए हुए हैं तो ये फर्स्ट लॉ अगर आप अब x कंपोनेंट की तरफ देखें ये x कंपोनेंट मेन वाइल x कंपोनेंट की तरफ देखें तो आप इस इक्वेशन से रिड्यूस कर सकते हैं कि x कंपोनेंट जैसे मैंने बाउंड्री कंडीशन आप अगर इस तरफ आएं तो x कंपोनेंट हमारे पास है लेट्स से ये x है जो हमने फिक्स किया और ये z है ठीक तो वेव वेक्टर का आपके पास जो x कंपोनेंट होगा इसको आप कर लें दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लें अगर आप तो जो एंगल ये है एग्जैक्टली exactly ये एंगल यहाँ पे होगा इंसिडेंट वेव का तो ये देखें ये एक्स कंपोनेंट है जो हमारे पास साइन रहा है के आए साइन थीटा आय ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट एग्जैक्टली ये एक्स कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे है ये तो ये है ये भी द थीटा आर के सामने का हमारे पास जो साइड है तो ये हमारे पास आ जाएगी के ये के आर है के आर और ये हमारे पास है के टी तो के आर साइन थीटा और ये हमारे पास एग्जैक्टली exactly ये तो ये आ जाएगी के टी साइन साइन थीटा टी तो ये हमारे पास है एक्स कंपोनेंट्स. जब हमारी जो वेव है टोटली एक्स जी प्लेन में लाए करिए तो इन कंपोनेंट्स की जगह पे एक्स कंपोनेंट मैंने आपको दिखा दिया वाई कंपोनेंट तो वो आप मैंने वैल्यू पुट कर दी के आई एक्स का के आई साइन थीटा आई के आर एक्स के आर साइन थीटा आर के टी एक्स के टी साइन थीटा टी तो चूंकि हमें पता है प्रीवियस एक्सप्रेशन से कि जो वेव वेक्टर्स हैं रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के वो इक्वल हैं तो आप आ, इस एक्सप्रेशन में

रिफ्लेक्टेड uh, वेव और इंसिडेंट वेव का एंगल बिल्कुल सेम होता है नॉर्मल के साथ। अच्छा अब बात करें ट्रांसमिटेड वेव की और uh, मैंने जो एक्सप्रेशन इसमें लिया है वो ये एक्सप्रेशन है।, है? है के आई साइंसा आई इक्वल टू तो के टी थीटा टी और लास्ट uh, प्रीवियस स्लाइड में जो के आई का मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया था uh, के टी के साथ तो के आई विच इज टू एन वन ओवर एन टी एन टू के टी तो के टी के टी ये हमारे हो जाएगा और आपके पास जो एक्सप्रेशन रहेगा वो ये रहेगा ठीक तो के टी के टी कैंसिल तो थीटा आई को सिर्फ ले जाएं आप साइन थीटा टी और साइन थीटा आई बन जाएगा विधाय देगा एन वन ओवर एन टू तो ये हमारे पास थर्ड ला है जिसको आप स्नेल लॉ भी कहते हैं तो इसमें जो एंगल्स में ये किए गए हैं याद रखिएगा कि वो हमारे पास नॉर्मल ये अगर ये हमारे पास इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड है और ये हमारे पास ट्रांसमिटेड है तो ये नॉर्मल से मैर किए गए हैं एंगल्स थीटा आई थीटा टी और थीटा आर तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो हैं के एप्सलॉन वन एप्सलोन वन

जी ये डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री हमारे पास बनेगा ये कंपोनेंट तो इस वजह से मैंने देखें जी लिखा हुआ है वो केस में भी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो जी है देखिए जी कंपोनेंट टोटल वो परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री होगी ये बाउंड्री है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास जी कंपोनेंट है लास्ट uh, में हमने नॉर्मल इंसिडेंट एग्जैक्टली जो लिया था वो परपेंडिकुलर लिया था तो, uh, तो उस डायरेक्शन में हमारे पास जो उस फील्ड की डायरेक्शन थी हमने परपेंडिकुलर ली थी बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ पोपोगेसन जी के पर uh, uh, जी की डायरेक्शन में थी ठीक है हमारे पास uh, जो के जी की डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड थी यूँ और मैग्नेटिक फील्ड इसके यूँ परपेंडिकुलर थी तो इस वजह से कोई हमारे पास नॉर्मल कंपर्ट नहीं था इस केस में ऐसा नहीं है ये इस केस में हमने हमने कोई यूं एंगल लिया है ठीक है जिस एंगल पे इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैटिक वेव है वो फॉल करती है तो इसके हमारे पास जी कम्पर्ट भी होंगे एक्स कंपर्ट भी है और हमारे पास वाई कंपर्ट भी हो सकता है ठीक है तो पैरेलल कंपोनेंट्स क्या होंगे पैल मतलब जो पैल टू बाउंड्री ठीक है तो आप अगर आपके पास ये लैपटॉप की स्क्रीन है तो लैपटॉप के परपेंडिकुलर आप समझ सकते हैं कि वो इनटू द स्क्रीन होगी और जो पैल होगी पैल मतलब अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन के साथ साथ मूव हो रहे हैं तो आपके पास पैल कंपोनेंट होंगे तो पैल कंपोनेंट अगर लैपटॉप की स्क्रीन ये है तो ये सारे हमारे पास जो इस प्लेन में लाए करेंगे वो सारे एक्स वाई कंपोनट होंगे तो पैल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ज्वाइन होंगी तो एक्स वाई डिनोट कर रहे हैं ईच कंपोनेंट वन इक्वेशन फॉर एक्स एंड अदर इक्वेशन फॉर वाई और जो मेरिटी फील्ड है वो इस तरह ज्वाइन होगी और इधर भी एक क्वेश्चन हमारे पास एक्स के लिए है और दूसरी क्वालिटी हमारे पास वाई के लिए तो ये बाउंड्री कंडीशन है अब हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि हमारे पास एम्पीट्यूड्स क्या आते हैं तो दो किस्म की पोलराइजेशन होते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि पोलराइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है पोलराइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कौन सी लेते हैं जब आप इलेक्ट्रीफिकेंगे मैं डायरेक्शन खुद ब खुद फिक्स हो जाएगी तो एक केस हो सकता है कि आप पोलराइजेशन लें इन द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट ठीक है एक्स जी प्लेन है आपके पास इंसिडेंट का ये एक्स है और ये जी है तो इस प्लेन के पैल इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हैं इंसिडेंट वेव के और दूसरी ये है कि एक्स जी प्लेन की परपेंडिकुलर यानी कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रखे हैं ठीक है आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है एक केस ये पैल टू द प्लेन मतलब जो एक्स जी प्लेन बन रहा है उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और दूसरा ये है कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स जी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम जो डील करेंगे इस लेक्चर में वो होगा हमारे पास पैल टू द द प्लेन प्लेन ऑफ ऑफ इंसिडेंस और आप परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वाला केस आसानी से फॉलो कर सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लें तो फिगर के मुताबिक जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव है हमारे पास जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है कि वो भी प्लेन के अंदर ही होंगी ठीक है वो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखें ये भी अलोंग एक्स एक्स प्लेन है ये भी हमारे पास एक्स प्लेन में है, ये भी में, में, भी XZ plane में, वो सारी ठीक है? Polarization again, किसे define है? से। तो कंडीशन बाउंड्री कंडीशन वन थी हमारे पास uh, हमने ज्वाइन करने थे again, मैं आपको शो कर बाउंड्री कंडीशन वन थी कि हमने ज्वाइन करने हैं जी कंपोनेंट्स ठीक है तो जी कंपोनेंट्स आप बना ले इसके तो आपको इसको अंडरस्टैंड आसानी से अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो अगेन मैं ये डायग्राम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं और इस बार सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव uh, के सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्रा किए हैं मैंने बी कंपोनेंट ड्रा नहीं किया ये आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पेंडिको ड्रा कर लें आपको ताकि ये कंपोनेंट में डिवाइड करना इसको आसान हो जाएगा तो एक इसमें देखें ये, ये है ये है अल, अ, एक वेक्टर ठीक है केटी और ये वेक्टर है ये हमारे पास साइड है जी। इसके में एंगल है थीटा टी तो इलेक्ट्रिक फील्ड केटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है और अगर आप ये परपेंडिकुलर लाइन की जा दें कंप्लिमेंट ड्रा करने के लिए तो जो ये, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन ये रेड पे परपेंडिकुलर है और ये जो डॉटेड लाइन है वो z पे परपेंडिकुलर है तो जो एंगल आ, थीटा टी और सी के दरम्यान में होगा एग्जैक्टली वही एंगल इनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान में होगा ठीक है ये वाली लाइन डॉटेड इसके ऊपर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये ये वाली इसके ऊपर तो एंगल थीटा टी है ये एंगल थीटा टी ठीक है दोनों इक्वल एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाए आप तो ये हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है तो जो एंगल इधर होगा बिल्कुल वही एंगल इनकी परपेंडिकुलर लाइन के दरम्यान में होगा तो ये वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन हमारे पास इस लाइन के परपेंडिकुलर ठीक है तो ये एंगल वही हुआ तो इधर भी आप ये देख लें कि जो एंगल थीटा आर यानी कि इस एक्सिस और इस लाइन के दरम्यान में होगा बिल्कुल यही एंगल इनके परपेंडिकुलर लाइन के दरम्यान में होगा तो अब आप आसानी से इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं तो ये इसके कंपोनेंट दो बन जाएंगे एक कंपोनेंट ये आप ये देख लें इसकी नेगेटिव सी डायरेक्शन में और ये साइन थीटा है साइन थीटा है लेकिन नेगेटिव जी की डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट आ जाए रिफ्लेक्टिव वेव के लिए ये पॉजिटिव साइन की डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में तो ये थीट ये आ गया आपके पास ये नॉट आर साइन थीटा आर और ये हमारे पास है नेगेटिव जी की डायरेक्शन में तो ये हमारे पास नेगेटिव जीरो टी साइन थीटा टी आ गया तो ये रही पहली बाउंड्री कंडीशन दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है क्योंकि आपके पास जैसे आपने प्लेन प्लेन टू द फिक्स किया है और तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड वो लाई करेगी और वो वाई पास यहाँ पे है एक्स वाई में उसका कोई जी कंपोनेंट नहीं होगा तो दोनों तरफ से आपको जीरो मिलेगा सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है अब आए थर्ड बाउंड्री में, में है तो जी में आपके पास होगा और दूसरा तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा ठीक है किस प्लेन में एक्स प्लेन में तो जी कंपोनेंट मैंने यहाँ से हासिल कर लिए यहाँ से मुझे, मुझे मिलेगा सिर्फ एक्स कंपोनेंट सिर्फ एक्स कंपोनेंट तो एक्स कंपोनेंट मैं यहां से ले लेता हूँ तो ये मेरे पास है इसको रिजॉल्व किया इसकी ये वाली साइड ये देखिए एक्स के लॉन्ग, ये वाली साइड एक्स के लॉन्ग, ये वाली साइड, के और ये सारे क्या है? है। सारे एक्स में तो, आए, आर, आ, सारे तो अब आप फोर्थ बाउंड्री कंडीशन में आ जाएं तो फोर्थ कंडीशन में बता रही है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी मैगनेटिक फील्ड की जगह पे आ गया ए नॉट आई और वी वन और यहाँ पे ए नॉट टी और वी टू तो आप इसको इकट्ठा करके इस तरह लिख सकते हैं इन इनकोफिशेंट को, को म्यू वन वी वन को सब ले जाएं तो आपके पास यही क्वेश्चन हासिल हो जाएगी जबकि बीटा डिफाइन है म्यू वन वी वन ओवर म्यू टू ओवर वी टू और चूंकि हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमी इंसिडेंट के एंगल सेम होते हैं तो आप ये इक्वल्टी यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे आपके पास दोनों आ जाएंगे कॉ सीटा आए और ये भी आपके पास बन जाएगा कॉ सीटा क्योंकि दोनों सेम है आप कॉमन ले इनको कॉमन लेने के बाद आप दूसरी तो तरफ ले जाए ठीक है कॉमन ले लिया यहां से यहां लेने के ले तो बाद तो इसको मैंने अल्फा कह दिया अब आपके पास दो इक्वेजन है एक ये इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है तो और आपके पास जो एक्सप्रेशन है एलिमेंट है वो तीन है वो आई आर और टी है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं दोनों को ए एलिमिनेट एलिमिनेशन से कि आप रिफ्लेक्टेड uh, एम्पलीट्यूड uh, को इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट लिख लें और यहां पे ट्रांसमिटेड को इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट लिख लें तो ये आप आसानी से ये कर सकते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको एक ऑपरेशन इस तरह से प्रीवियस uh, लेक्चर में भी मैंने आपको इस तरह से एक ऑपरेशन दिखाया था इनको हम कह हैं फ्रेंड्स uh, इक्वेजन ठीक है ये दो इक्वेशन ये हैं पैरेलल पोलराइजेशन के लिए और दो इक्वेशन हमारे पास होते हैं परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए ठीक तो अगेन अगर हमारे पास अल्फा इज ग्रेटर देन बी हो तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड वेव और हमारे पास जो इंसिडेंट वेव होंगी वो इन फेज होंगी और अगर हमारे पास ये इनक्वेलिटी होल्ड करती है तो दोनों आउट ऑफ फेज होंगी इसमें हमारे पास 180 डिग्री होगा और यहाँ हमारे पास जीरो डिग्री होगा तो बाकी जो कैलकुलेशन है जो मेरे पास ब्रूस्टर एंगल है और बाकी जो डिस्कशन है एम्पीट्यूड के हवाले से वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे